गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोशनी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नया व्लॉग लेकर। आज का व्लॉग फुल मस्ती वाला है, फुल एंटरटेनमेंट वाला है। इसमें आप हम घूमने भी जाएंगे। आपको पूरे दिन का मैं फुल व्लॉग लेके आई हूँ, जो मैंने सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या किया, कहाँ गई, क्या किया, क्या नहीं किया। और आई होप आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए। और मैंने व्लॉग डाले हुए हैं, मेरे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को वो सारे व्लॉग अच्छे लगेंगे। आज है राम मंदिर का उद्घाटन, तो हमारे वहाँ कैसे सेलिब्रेट किया है, मैंने कैसे किया है, वो मैं आगे आपको लास्ट तक मेरे व्लॉग में बने रहिएगा, आपको सब देखने को मिलेगा। मैं कहाँ गई थी और किस कौन से मंदिर गई थी वो सब आपको देखने को मिलेगा। और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं लखीमपुर से हूँ और हम मेरे वहाँ कैसे सेलिब्रेट किया गया है मेरे शहर में, मेरे सिटी में, जो कि मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो ज़्यादा बात नहीं करते, पड़ते अपने ब्लॉग की तरफ और लास्ट तक बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरी आज की मॉर्निंग से, जो कि आज है राम मंदिर का उद्घाटन और हम लोग पूरे परिवार ने मिलकर आज साथ में पूजा की है। उसके बाद सभी राम भगवान का नाम लिया है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने आज पूरे दिन क्या किया है तो लास्ट तक बने रहिएगा। फाइनली हमारी यहाँ पूजा पूरी कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने बनाई चाय, चाय पीने के बाद उसके बाद हम आगे का काम स्टार्ट करेंगे। चाय पीने के बाद जो हमारे पूजा के बर्तन होते हैं या वगैरह भैया का दूध वगैरह गर्म करना होता है, तो हम सारा काम उस समय उसके बाद करते हैं। तो मेरी चाय एक तरफ बनती रहती है, उसके बाद फिर हम यहाँ पे भैया का दूध निकालेंगे मेरे बेटे का, उसके बाद अब उसको हम रख देंगे गर्म करने के लिए, जो कि सभी हाउसवाइफ करती होंगी। आज इसका बेबी छोटा होगा तो ये इतना काम करने के बाद मैं चाय पीने के बाद आपसे मिलती हूँ। हाँ, मेरी चाय बनके तैयार हो गई थी और सेवों के साथ, तो मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। यहाँ पापा मशीन से कपड़े वगैरह निकाल रहे थे, क्योंकि मशीन में कपड़े मैंने लगा दिए थे वो धुल गए थे और मुझे कपड़े भी फैलाने हैं। और उसके बाद जो पूजा में जो फूल चढ़ाए गए थे वो हमने फूल सारे इकट्ठा कर लिए हैं। और ये फूल कब क्या मैं करती हूँ जो पूजा पे चढ़े हुए हैं, इनको मैं मतलब इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि इनको मैं थोड़ा, और मेरे यहाँ मनी प्लांट का गमला टूट गया था और मुझे इसके लिए नया गमला मंगाना पड़ेगा। और सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो पेड़ को ज़्यादातर हम ढक के रखते हैं, इसलिए पन्नी साइड में लगा रखी थी, वो पन्नी भी बंदरों ने फाड़ डाले, हमारे वहाँ बंदर बहुत होते हैं। और उसके बाद फिर हमने याद आते थे यहाँ सारे पूजा के ही पेड़ हैं, तुलसी है, केला है, समी है, ये सारे पेड़ हैं। ये सारे फूल जो होते हैं ना चढ़े हुए, ये मैं जो है तुलसी ये फूल ऐसे सारे मैं गमले में डाल देती हूँ। तो गमले में क्या होता है, ये मिट्टी का खाद का भी काम करता है। ये जो है गेंदा वगैरह के जो फूल होते हैं ना, इन सब के फूल पेड़ ऑटोमेटिक ही निकल आते हैं सीजन बाय सीजन। तो हैं यही करती हूँ, पूरे सीजन में इनको डाल देती हूँ, फिर मैं थोड़ी साफ सफाई कर लूँगी, क्योंकि शाम को मुझे सब घर पूरे घर में दिए वगैरह जलाने हैं। लेते हैं उसके बाद हम सारे पूजा के बर्तन धुल लेंगे, क्योंकि शाम को ही पूजा करनी है तो जो है जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम या मैं यहाँ पीतांबरी से अपने पूजा के बर्तन सारे साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पीतांबरी का यूज़ करने से पीतल के बर्तन और जो जो है मतलब कॉपर के बर्तन होते हैं वो सब अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे हल्का सा लेंगे पीतांबरी, उसके बाद अपने जो है पूजा वाले जो लोटे होते हैं उस पर मैं हल्का हल्का सा रब करूँगी। उसके बाद हाँ, पीतांबरी अगर यूज़ कर रहे हैं पूजा के बर्तन के लिए तो आप ध्यान रखिएगा कि जो मतलब जो साबुन होता है बर्तन धुलने वाला या जो है विम बार होता है उससे जरूर साबुन से जरूर अपने पूजा के बर्तन साथ दिएगा।
तो फाइनली हमारे सारे बर्तन साफ हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे चमक गए हैं। ये झालर मुझे मंदिर में लगानी है और ये झंडा मुझे मिला था और ये झंडा मुझे छत पे जो है मतलब लगवाना है। तो उसके बाद फिर हो गई शाम। शाम की जो है हमने दिया वाए सब इंतजाम कर लिया, मैं नहा धो के आ गई थी और उसके बाद मंदिर में हमें आप देख सकते हैं मैंने झालर लगा दी, फूलों की झालर लगा दी। ये जो पूजा के हैं ये अलग हैं, दीपक जलेंगे और ये वाले जो दीपक हैं वो पूरे घर में जलेंगे। हमने कैंडल्स भी मंगाई हैं तो वो भी मुझे जलानी है। और अगर लास्ट तक देखिए कि मैंने कैसे दिया मतलब पूरे घर में रखा है, कैसे मैंने पूजा की है। से बहुत खुश हैं, वहाँ वाले भी लोग अलग खुश होंगे। उसके बाद हमने यहाँ की पूजा रंगोली उंगोली बनाने के बाद उसके बाद हम पूजा करने के बाद हम जो है दिया मतलब जलाएंगे। उसके बाद जो पूजा वाले दिए थे ना जो अलग रखे थे वो हम जलाएंगे। उसके बाद हम ये सारे दिए पहले पूजा वाले वहाँ पे रख के आएंगे जहाँ पे सारे पेड़ वगैरह थे, जहाँ पे मैंने साफ़ किया था जो आपने आगे व्लॉग में देख ही लिया होगा। और उसके बाद फिर हम ये सारे दिए ले जाएंगे ऊपर छत पे, उसके बाद हम वहाँ रख के आएंगे तो हम जो है दूसरे वाले दिए ले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो दिए दिखाए थे ना आपको वो मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। आप देख रहे कितने जगमगा रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद हम ये सारे दिए मंदिर में सजावट करेंगे पहले दियों से, उसके बाद फिर हम पूरे घर में दिए वगैरह रखेंगे। छोटी दीपावली हमने ऐसे सेलिब्रेट किए, अब आपने कैसे किए वो आप कमेंट लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पहले पूरे मंदिर में दियों से सजा दिया है, उसके बाद फिर जो है हम अब जाएँगे पूरे घर में मतलब जो है रखेंगे जाके दिए। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, पूरा मंदिर बहुत अच्छा लग रहा, जगमगा रहा था। और हमारे राम जी भी आज आ गए हैं तो स्थापित करे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर हम लोग ने पूरे घर में दिए रख रखे, कैंडल वगैरह जलाई थी, दिए रखे थे पूरे छत पे, कैंडल लगाई थी। उसके बाद फिर जहाँ मैंने पेड़ वगैरह साफ किए थे वहाँ पर मैंने तुलसी जी के पास साहब जी के पास मतलब दिए वगैरह रखे थे। उसके बाद फिर आइए चलते हैं आपको अपने लखीमपुर का दृश्य दिखाते हैं कि जो है कैसे राम जी का मतलब राम मंदिर उद्घाटन सेलिब्रेट किया गया है। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं, गाड़ी से हम जा रहे थे। उसके बाद यहाँ मेरा बाबू कितना मतलब अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था घूमते हुए, उसको घुमाते हुए। उसके बाद हम गए राजापुर हनुमान जी के मंदिर बजरंगबली के, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरा मंदिर भी जगमगा रहा था और बहुत दूर दूर से लोग आए थे दर्शन करने के लिए और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप देख सकते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं, आगे लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ।
दर्शन करने के बाद यहाँ राजापुर वाले जो बालाजी है ना बजरंग बली, यहाँ पर जो है रामायण बैठे थे तो बहुत कीर्तन हो रहा था, बहुत गाने बजाने हो रहे थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ आगे थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दूंगी, आप देख सकते, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पूरा मंदिर जय जय राम श्री राम से गूंज रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर हम आ गए बाहर। बाहर आने के बाद आपको दिखाते हैं कि अब हम पहुँचे हैं मेन रोड पर, और आपको यहीं से हम दिखाते हुए चलेंगे कि आपको मतलब लखीमपुर कैसे सजा हुआ है। हर जगह जागरण हो रहा था, हर जगह मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहीं पर मेरा व्लॉग एंड होता है। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये रहा आज का प्रसाद। सब्सक्राइब टू माय